भाई एक्शन तो किसी भी तरीके का हो, स्क्रीन पर उसे एंजॉय करने का मजा ही कुछ अलग है। और जब कोई मूवी बढ़िया सा एक्शन हमें दिखा दे तो उसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जब बात कार रेसिंग या कार चेजिंग की आती है ना, तब सस्पेंस और थ्रिल अपने आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और स्क्रीन से आंख हटाने तक का मौका नहीं मिलता है। तो आज ऐसी धमाकेदार कार रेसिंग मूवीज के बारे में बात करेंगे जो गन्स या कॉम्बैट से नहीं बल्कि फोर व्हील्स और क्रेजी ड्राइवर के साथ आपको माइंड ब्लोइंग एक्शन राइड पर लेकर जाएगी। अब चाहे आप कार रेसिंग पसंद करते हो या ना करते हो, ये टॉप 10 कार रेसिंग मूवीज तो देखना बनता है बॉस। तो चलिए फिर जल्दी से आज की इंटरेस्टिंग राइड शुरू करते हैं। एक वर्ल्ड फेमस कार रेसिंग गेम जो हम सभी ने कभी ना कभी तो खेला है और नंबर 10 पर उसी गेम पर बेस्ड मूवी है, एंड यू गेस्ट इट राइट, 2014 में रिलीज हुई नीड फॉर स्पीड। ये फिल्म एक स्ट्रीट रेसर की कहानी है जिसे एक मर्डर केस में फंसा दिया जाता है, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकलता है तब उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज है और वो है रिवेंज। और ये रिवेंज वाला थ्रिल ही फिल्म को थोड़ा इंटरेस्टिंग टच देता है। देखो, इस फिल्म के हर एस्पेक्ट में कोई ना कोई कमी तो तुम्हें मिल ही जाएगी, लेकिन अगर कार रेसिंग और स्टंट्स तुम्हें पसंद है तो ये वीक पॉइंट्स तुम्हारे लिए मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिल्म स्पेशली कार रेसिंग लवर्स के लिए बनी है और इस एस्पेक्ट में ये फिल्म आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई भी करेगी। अराउंड 2 आवर्स की ये फिल्म सोनी लिव पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है एक डिस्टोपियन कार रेसिंग फिल्म जो विन एंड लूज को डेडली सीरियस लेती है, क्योंकि अगर आप हारे तो सिर्फ एक कार रेस नहीं हारोगे, आप अपनी लाइफ भी हार जाओगे। 2008 में रिलीज हुई जेसन स्टेदम स्टारर डेथ रेस। भाई ये फिल्म तो हर एक्शन मूवी लवर ने जरूर देखी होगी। ये उस प्रिजनर की कहानी है जिसे फ्रीडम के लिए एक डेडली रेस का हिस्सा बनना पड़ता है। अब अगर वो ये रेस जीता तो जेल से आजाद हो जाएगा, और अगर हारा तो वो इस दुनिया से ही आजाद हो जाएगा। अब ये विन एंड लूज वाली सिचुएशन फिल्म में असली थ्रिल बनाकर रखती है। देखो, इस फिल्म की स्टोरी, कैरेक्टर्स और इसकी एक्टिंग थोड़ी वीक है, लेकिन अगर तुम्हें मस्कुलर कार्स को भिड़ते हुए देखने में मजा आता है ना, तो फिर ये फिल्म आपके लिए है। प्राइम वीडियो पर जाकर आप इसे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है लेजेंडरी एक्टर टॉम क्रूज की फिल्म डेज ऑफ थंडर, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। अभी रिसेंटली ही हमने एक वीडियो में जाना था कि टॉम क्रूज हॉलीवुड के लास्ट एक्शन स्टार क्यों हैं। अगर आप टॉम क्रूज के असली फैन हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब 1990 में रिलीज हुई डेज ऑफ थंडर टॉम क्रूज की एक और डिफरेंट फिल्म है। एक टैलेंटेड कार रेसर जो लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट के बाद रेसिंग वर्ल्ड में वापस एंट्री करने की कोशिश करता है, और उसकी ये जर्नी ही फिल्म का मेन प्लॉट बनती है। देखो, इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग और पेसिंग में काफी कमियां नजर आती है, लेकिन इन वीकनेस के लिए मेकअप करती है एक्टर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और कुछ हार्टफुल एंड इंस्पायरिंग मोमेंट्स जो इस मूवी को एकदम वर्थ वॉच बनाते हैं। इस कार रेसिंग मूवी को आप प्राइम वीडियो पर रेंट करके इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर है फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सबसे डिफरेंट और एक सबसे बेस्ट फिल्म जिसकी कहानी ट्रूली कार रेसिंग के बारे में है। 2006 में रिलीज हुई टोक्यो ड्रिफ्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की आउट ऑफ द मेन स्टोरी फिल्म है, जो हमें एक बिल्कुल नए कैरेक्टर की कहानी दिखाती है जो जापान में अपने फादर के साथ रहने आता है, लेकिन वहां पे ड्रिफ्ट रेसिंग उसका इंटरेस्ट बन जाता है। अगर हम टोक्यो ड्रिफ्ट के वीक पॉइंट्स की बात करें, तो हर फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म की तरह इस फिल्म की भी स्टोरी एंड कैरेक्टर्स वीक हैं। लेकिन अब फ्रेंचाइज की हर फिल्म की तरह ही टोक्यो ड्रिफ्ट एकदम एंटरटेनिंग है, और थ्रिलिंग कार स्टंट्स की तो इसमें कोई कमी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की असली कार रेसिंग मूवी यही है, और प्राइम वीडियो पर आप इसे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है एक हार्टफुल फील गुड मूवी जो कार रेसिंग के साथ साथ ही लाइफ के बारे में भी है। अब कार रेसिंग और फील गुड मोमेंट, ये दोनों एक साथ कैसे सेट हो सकते हैं, ये चीज 2019 में रिलीज हुई आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। भाई ये फिल्म अपनी कहानी एक लवेबल डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती है, जिसका मालिक एक फॉर्मूला 1 कार रेसर है। देखो, इस फिल्म में कमी बस यही है कि इसका रनिंग टाइम नीडलेसली 20 से 25 मिनट तक लंबा है, और इसके कुछ मोमेंट्स क्रिंजी भी हैं। लेकिन इस वीक पॉइंट के लिए मेकअप करते हैं इस फिल्म के ट्रूली हार्टफुल मोमेंट्स, और फिर एक प्यारा सा डॉग तो किसे पसंद नहीं है। उसके पीछे तो जॉन विक ने अभी तक हजारों लोगों को मार दिया है। तो ये अच्छी सी फील गुड मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है एक हार्टफेल्ट एंड एक्साइटिंग एनिमेटेड कार रेसिंग मूवी जो हमारे दिल के बहुत करीब है। 2006 में रिलीज हुई कार्स इस लिस्ट की पहली और आखिरी एनिमेटेड फिल्म है। ये अमेजिंग फिल्म हमें एक ऐसे वर्ल्ड में लेकर जाती है जहां पर कार्स बोल सकती है, और हम फॉलो करते हैं एक रेसिंग कार को जो अपनी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा लूज कर रही है। अब वैसे तो ये फिल्म आप सभी ने देख ली होगी, लेकिन कार रेसिंग मूवीज की लिस्ट में ये फिल्म एक पोजीशन तो डिजर्व करती ही है, इसीलिए आज ये इस लिस्ट में है। वैसे तो ये पिक्सर की सबसे कमजोर एनिमेशन फिल्म मानी जाती है, लेकिन भाई ये वीक फिल्म भी बहुत बहुत एंटरटेनिंग है। तो अगर अब तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे सबसे पहले देखिए और इसके सारे पार्ट्स को एंजॉय कीजिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये हिंदी, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में अवेलेबल है।
नंबर 4 पर है एक फास्ट पेस्ड एंड ब्रिलियंटली एडिटेड हाइस्ट फिल्म, जो अपना पैर एक्सेलरेटर से एक सेकंड के लिए भी नहीं उठाती है और फिल्म देखने वाला हर एक व्यूअर ये एक्सेलरेशन एंड तक पूरा फील करता है। 2017 में रिलीज हुई अमेजिंग फिल्म बेबी ड्राइवर। फिल्म का सेंटर है एक गेटअवे ड्राइवर जो ठीक से सुन नहीं पाता है और वो अपनी क्रिमिनल लाइफ को पीछे छोड़ना चाहता है, लेकिन क्या उसकी ये विश कभी पूरी हो पाएगी, यही इस फिल्म का सिंपल येट इफेक्टिव प्लॉट है। देखो, इस फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स थोड़े से वीक फील हो सकते हैं, बस इसके अलावा फिल्म में सब कुछ सुपर स्ट्रांग है। इसका ब्रिलियंट डायरेक्शन, अमेजिंग एडिटिंग एंड गूज बम्स देने वाले कार स्टंट्स एक सेकंड के लिए भी आपको कुछ और सोचने का मौका नहीं देंगे। अराउंड 2 आवर्स की इस इंटरेस्टिंग फिल्म को आप प्राइम वीडियो एंड सोनी लिव पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर एक ऐसी मूवी है जिसका एकदम यूनिक कंसेप्ट, एकदम यूनिक कार्स और ताबड़तोड़ एक्शन इसे दुनिया की ऑल टाइम बेस्ट मूवीज में से एक बनाता है। और अगर ये लिस्ट स्पेशली कार रेसिंग मूवीज के बारे में ना होती तो श्योरली ये फिल्म नंबर 1 पर होती। विजुअल्स देखकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किस ग्रेट मूवी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। 2015 में रिलीज हुई मैड मैक्स फ्रेंचाइज की बेस्ट फिल्म फ्यूरी रोड हमें मैक्स का सबसे डेंजरस एडवेंचर दिखाती है। देखो, इस फिल्म में आपको एक भी वीक पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि फ्यूरी रोड एकदम परफेक्टली मेड फिल्म है और फिर इसका ब्रिलियंट एक्शन एंड इमर्सिव वर्ल्ड आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। 2 आवर्स की इस ग्रेट फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर रेंट करके हिंदी, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है एक एक्सट्रीमली वेल थॉट आउट एंड हार्टफुल मूवी जो दो इनक्रेडिबली टैलेंटेड कार रेसर्स की राइवलरी और उनकी लाइफ की ट्रू स्टोरी दिखाती है। 2013 में रिलीज हुई फिल्म रश, जो हमें रियल कार ड्राइवर जेम्स और निकी की लाइफ और उनकी राइवलरी एक एंगेजिंग एंड एक्साइटिंग वे में दिखाती है। देखो, वीक पॉइंट्स तो इस फिल्म में भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, बस फिल्म रियल ट्रैक पर आने में थोड़ा शुरुआत में टाइम लेती है, लेकिन जब ये फिल्म सच में शुरू होती है ना, तब आप दिल और दिमाग दोनों से इसमें पूरा घुस जाओगे। अगर एक रियल कार रेसिंग मूवी तुम देखना चाहते हो तो इस फिल्म से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ ये फिल्म हमें क्रिस हेम्सवर्थ और डेनियल ब्रल की ग्रेट परफॉर्मेंसेस भी दिखाती है। दोस्तों, दिक्कत बस एक ही है कि ये फिल्म इंडिया में ऑफिशियली स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल तो नहीं है, इसीलिए कोई जुगाड़ लगाकर ही तुम्हें इसे देखना होगा। नंबर 1 पर है मेरी वन ऑफ द फेवरेट और शायद कार्स के बारे में बनी अब तक की सबसे फाइनेस्ट फिल्म फोर्ड वर्सेस फरारी, जो एक इनक्रेडिबली ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस फिल्म में सुपर कार्स बनाने वाली दो सबसे बड़ी कंपनीज फोर्ड एंड फरारी की राइवलरी हमें देखने को मिलती है और बिजनेस से पहले इनका ये कंपटीशन शुरू होता है रेसिंग ट्रैक पर। भाई, कार रेसिंग को जिस अमेजिंग तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है ना, वो एकदम इनकम्पेरेबल है। इसमें होने वाली रेस आपको इमोशन के साथ पूरा अंदर तक फील होगी। एकदम एक्सीलेंटली रिटन स्टोरी के साथ साथ फिल्म में मैट डेमन एंड क्रिश्चियन बेल जैसे लेजेंडरी एक्टर्स की एकदम ओवर द टॉप परफॉर्मेंस इस फिल्म को और भी ज्यादा एक्सीलेंट बना देती है। ये ग्रेट ग्रेट फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है और सच में ये फिल्म हर एक मूवी फैन के लिए मस्ट वॉच है। तो भाई, ये थी वो 10 धमाकेदार मूवीज जो कार का थ्रिलिंग गेम अमेजिंग वे में प्रेजेंट करती है और ये चैनल भी अमेजिंग मूवीज और वेब सीरीज तुम तक पहुंचाता है, इसीलिए इसको सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो इस लिस्ट में से तुम्हारी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट्स में सभी के साथ शेयर करो, और अगर इस वीडियो से और मेरे से तुम थोड़ा भी रिलेट कर पाए तो इस वीडियो पर फिर एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।